अपनों पे भरोसा करो, पर ध्यान से, क्योंकि अक्सर हमारी जीभ को काटने वाले हमारे अपने दांत ही होते हैं। अर्ज करता हूं कि सबसे बेजार हो गया हूं मैं, सबसे बेजार हो गया हूं मैं, जहनी बीमार हो गया हूं मैं, कोई अच्छी खबर नहीं मुझमें, यानी अखबार हो गया हूं। उसको मुमताज और खुद को मालिके ताज समझते थे तुम, क्या हुआ आजकल बाजार इश्क में दिखाई नहीं देते, हमने सुना बर्बाद हो गए तुम। 3 साल का रिलेशन था मेरा और उसका, और कसम से इतना कुछ दिया है ना मैंने उसे इस रिश्ते में, मेरा टाइम, मेरे इमोशन, मेरी फीलिंग, मेरा FB इंस्टा का पासवर्ड तक दिया मैंने उसे, उसने क्या दिया मुझे? ब्रेकअप। तू आजकल किससे बांटता है हाल दिल के, तू हमको बताना यार किस परेशानी में है। चलो अच्छा है, हमें अंदाजा है सागर की गहराई का, हम जानते हैं कौन कितना पानी में है। यार 2 घंटे से तेरा नंबर बिजी है, मतलब एक और शख्स तेरी कहानी में है। एक शेर और कहना चाहूंगा कि मेरी नजर उससे हटने पर जो उठी वो नजर याद है, मेरी नजर उससे हटने पर जो उठी वो नजर याद है, पूरे बागीचे की खूबसूरती मेरे जहन में नहीं, जिस छांव में बैठ उसे निहार रहा था वो सजर याद है, जिस छांव में बैठ उसे निहार रहा था वो सजर याद है, और ऐसी याददाश्त का तुम क्या करोगे कान्हा, खुद पर लिखे 2 शेर याद नहीं, उस पर लिखी पूरी गजल याद है। अगर हो सके सुकून की शाम दे मुझे, अगर हो सके सुकून की शाम दे मुझे, ऐ जिंदगी जरा सा तो आराम दे मुझे। खामोश हूँ तो बस तेरी खुशी के लिए, ये मत समझना कि मेरा दिल नहीं दुखता। तावीज है मेरी मुट्ठी। एक लड़की ने मुझे मैसेज करा, उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे ना उससे कुछ बात बोलनी है, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, लेकिन वो आपको फॉलो करती है तो क्या आप मेरी तरफ से उसे कुछ बोल दोगे? मैंने कहा हाँ बताओ, तो उसने अपनी सारी बात बताई, मैंने सुनी और मैं उसके तरफ से तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं वही हूँ जिसे तुम प्यार किया करती थी, दिन में 100 बार जिसका नाम लिया करती थी, थोड़ा सा बिजी क्या हो जाऊँ तो कॉल कर करके परेशान किया करती थी, जब कभी गुस्से में खाना ना खाऊं तो अपनी कसम देकर मुझे खाना खिलाया करती थी, लेकिन आज क्या बात हो गई है, क्यों मुझसे खफा बैठी हो, मुझसे नाराज हो या किसी और से दिल लगा बैठी हो? लाखों की भीड़ में हम सिर्फ आप ही को देखना चाहते हैं, हमारी बात का थोड़ा एतबार तो कर देखिए, और जितना हम आपसे करते हैं उतना ना सही, उसका आधा प्यार तो कर देखिए। अल्लाह दी कसम तू मैनू इतना प्यारा हो गया। रोने दे आज हमको, दो आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे, है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। हम थक गए थे उठाते उठाते, बोझ उसकी यादों का बहुत भारी था, अफसोस वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता, वो बाहों में जिस वक्त हमारी था, हम इसलिए उससे हारे मोहब्बत में, इस खेल का वो पुराना खिलाड़ी था। क्या कर रहे थे? तुम्हारी तस्वीरें देख रहा हूँ और तुम्हें याद कर रहा हूँ। और तुम? मैं भी तुम्हें याद कर रही थी, मगर तुम्हारे पास तो मेरी तस्वीर ही नहीं है। तुम्हें याद करने के लिए मुझे किसी तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ती। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो जाए, तकलीफ में कोई साथ होके बताए तो बात ना, तो बम फटे ना बारूद ना नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर हुआ, ऐसे मिले दोनों, दोनों के अलावा किसी को ना महसूस हुआ, ना तो वो था कहीं का रांझा, ना वो लगी हीर जैसी, मॉडर्न डेटिंग की भीड़ में बस लगी भीड़ जैसी। साकी देख जमाने ने कैसी तोहमत लगाई है, साकी देख जमाने ने कैसी तोहमत लगाई है, आंखें तेरी नशीली है और शराबी हमें कहलाई है। जिन रिश्तों का रखते हैं मान सभी,
मैं तो उन्हीं से खुद को थक बैठा हूँ। यूँ तो बहुत रौनक है मेरे आसपास मेरे अपनों में, बैठ के भी अलग बैठा हूँ। उसे लगता था कि हमें उसकी चालाकियाँ समझ नहीं आती, हम बड़ी खामोशी से देखते थे उसे अपनी नजरों से गिरते हुए। झूठी वफाओं की झूठी कहानी है तूने सुनाई मुझे, मेरे लिए तो खुदा भी था झूठा। एसके, कौन सी भाषा तुझे सबसे ज्यादा पसंद है? खामोशी। ये कौन सी भाषा है? भाई सिर्फ अपने ही समझ सकते हैं। मतलब एक बात तो पक्की है, मतलब ये मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि जिन लोगों के ना दिल साफ होते हैं उन्हीं की किस्मत के ना हमेशा एल लगे रहते हैं। कभी चुप चुप रहे। तेरे बदलने का दुख नहीं मुझे, मैं तो अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूँ। बिछड़ने का तो पहले से इरादा कर चुके थे, उन्हें तो बस मेरी तरफ से एक बहाना चाहिए था। जो शोर का जो सबसे खास होते हैं ये बस कुछ पल के लिए ही पास होते हैं। बेमौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह, और राग के ढेर पे अब रात बसर करनी है। जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। कौन कहता है मेरे बगैर वो तन्हा होगा, वो एक चिराग है कहीं और जलता होगा, वो तो रहता है मोहब्बतों के देश में, उसे क्या खबर कोई उसे सोचता हो। जिन रिश्तों का रखते हैं मान सभी, मैं तो उन्हीं से खुद को थक बैठा हूँ। यूँ तो बहुत रौनक है मेरे आसपास मेरे अपनों में, बैठ के भी अलग बैठा हूँ। दम यूं मुझे छोड़ के ना जा, इस बेचारे दिल को यूं तोड़ के ना जा। ओ, मैं तो हर सिमट ढूंढता रहता हूँ तुम्हें, मुझे देखकर यूं रुख अपना मोड़ के ना जा। याद 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 एक इधर मैं हूँ के घर वालों से नाराजगी है, एक उधर तू है के गैरों का कहा मानता है, मैं तुझे अपना समझकर ही तो कुछ कहता हूँ यार, तू भी मेरी बातों का बुरा मानता है। क्या कहने के मिल जाए मुझे बिना मांगे सब कुछ, कोई ऐसी दुआ देकर चला गया। कि मिल जाए मुझे बिना मांगे सब कुछ, कोई ऐसी दुआ देकर चला गया। अरे इस दुआ का क्या करूंगा यारो, मुझे वो चाहिए था जो ये दुआ देकर चला गया। सारी खुशियाँ मिला के देखी है, तेरे जाने का गम ज्यादा है। किसी से रोज मिलने से प्यार हो या ना हो, मगर किसी से रोज बात करने से उसकी आदत जरूर पड़ जाती है। कुछ मुश्किलात हैं, बुरे हालात हैं, पर याद रखना लड़ना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। कहने को तो सब साथ हैं। चुपचाप सा रहने लगा हूँ आजकल, क्योंकि बोलकर मैंने अपना बहुत नुकसान किया है नफीस भाई। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो सबको है कि मरना अकेले ही है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो कब्रिस्तान में ही होगी। कौन कहता है पैसा सब कुछ खरीद सकता है, अगर ऐसा है तो टूटे हुए भरोसे को खरीद के दिखाओ। कभी कभी लगता है जो सबका अच्छा करते हैं उसका भी अच्छा होता है, ये सिर्फ कहने की बात है। आईफोन एक्स के जमाने में नोकिया 3810 ढूंढ रही हूँ, सोय मिल्क कॉफी के जमाने में एक अदरक वाली चाय ढूंढ रही हूँ, जुकीनी नूडल्स के जमाने में मैं वेजिटेबल कि गिरकर संभलना भी एक सीख है, जो मांगना पड़े वो इश्क नहीं वो भीख है, और यूं ही हर बात पर मैं मुस्कुराता नहीं, यूं ही हर बात पर मैं मुस्कुराता नहीं, मुस्कुराहटों के पीछे छुपी एक चीख है, जो तुम सुन लेती तो क्या बात थी। क्या हुआ, नहीं सुना? फिर भी ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बताओ मोहब्बत क्या है, तो बहुत कम वर्ड्स में बताऊंगा कि खैरात में मिल जाती है किसी को, और भीख मांगने में भी नसीब नहीं होती, वो है मोहब्बत, याद रखना।